अब हम दोस्तों इस रूम में स्केटिंग जो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वॉल्स पर टाइल का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किया था। उसमें मैंने टाइल्स नंबर ऑफ टाइल्स हमने निकाला था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लोर पर मार्बल टाइल्स के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करेंगे। पहले वाली वीडियो का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो में हम फ्लोर के लिए टाइल्स मेजरमेंट करेंगे और साथ ही दोस्तों स्केटिंग जो हमारी रूम में लगती है या टायर्स के साथ लगती है उसके लिए एक्स्ट्रा टायर जो हमें मंगानी पड़ती है उसके लिए भी हम नंबर ऑफ टायर्स इस वीडियो में निकालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक पेपर पर आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 12x12 का रूम लिया है और टायर्स लिए हमने स्क्वायर टाइल्स, और जो डायमेंशन है दोस्तों फिट में है। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट क्या करना है, इसका हमें इस रूम का हमें क्या करना है, स्क्वायर फिट निकाल देना है। तो दोस्तों, ये स्क्वायर फिट इसका निकल जाएगा 144, ठीक है। और इस टाइल का भी दोस्तों हम एक टाइल्स का स्क्वायर फिट निकाल देंगे जो हमें रूम में लगानी है। तो ये निकल जाएगा दोस्तों 4 स्क्वायर फिट, ठीक है। तो दोस्तों, हमने टाइल्स का स्क्वायर फिट निकाल दिया और रूम का जो फ्लोर जहाँ हमने टाइल्स लगानी है वहाँ का स्क्वायर फिट हमने निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो इस रूम में है 144 स्क्वायर फिट में से जो ये 4 स्क्वायर फिट है, वो जो टाइल्स है वो 144 स्क्वायर फिट में से 4 स्क्वायर फिट एक टाइल्स कवर कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 144 स्क्वायर फिट जो एरिया है वो कितने टाइल्स कवर करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 144 में सिंपली 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। ये नंबर ऑफ टाइल्स हमारी आ गई है जितनी हमारे रूम में लगनी है, ठीक है, ओके। तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स निकल गई है। अब हम दोस्तों इस रूम में स्केटिंग जो करते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्केटिंग जो हम करते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, वो मैक्सिमम हाइट दोस्तों जनरली जो हम लेते हैं वो 6 इंच की हाइट लेते हैं, ठीक है। और लेंथ हम क्या करते हैं, रूम की चारों दीवारों पर हम लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम डोर के लिए अगर हम छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ उस 3 फिट को जिसमें हमारा डोर लगने वाला है, और 6 इंच हमारी इसकी हाइट होती है और पूरे एरिया में हमें लगानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 12 फिट हम इसमें ऐसे में ले लेंगे, तो 12 फिट ऐसे में ले लिया, ठीक है। और फिर 12 फिट दूसरी वॉल हो गई, प्लस 12 फिट दूसरी वॉल हो गई, और 12 फिट दूसरी वॉल हो गई, मतलब 4 वॉल हमारी क्या हो गई, 12 फिट की हो गई, ठीक है, जिसकी हमें डायमेंशन ले लिया हमने। तो हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है और 6 इंच के साथ हमें क्या करना है, इसका इसको इंटू कर देना है। तो ये निकल जाएगा 48, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, जो ये 6 इंच है इसको फिट में बदलना है, तभी हमारा स्क्वायर फिट निकलेगा। तो दोस्तों, इसको हम हाफ स्क्वायर फिट बोलते हैं और ये 48 हो गया, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, 24 निकल गया एरिया हमारा जहाँ पर हमने क्या करनी है, स्केटिंग लगानी है। तो 24 स्क्वायर फिट हमारे पास निकल गया है। दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इस 24 में अपने एक टाइल्स के स्क्वायर फिट एरिया से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास वो एरिया निकल जाएगा, वो नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगी हमारी, मतलब हमें 4 हमारा आ रहा था, एक टाइल्स के स्क्वायर फिट हमारा 4 आ रहा था, ये हमारा 6 निकल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स हमारी 6 टाइल्स निकल जाएगी स्केटिंग के लिए जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है इन टाइल्स में, ठीक है। तो दोस्तों, फ्लोर के लिए हमारी 36 टाइल आई थी और स्केटिंग के लिए 6 टाइल आई थी हमारी, तो वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, और हमारी 42 टोटल टाइल्स हमारी आ गई है। इतनी हमें मार्केट से मंगवानी है अगर हमें उस रूम में टाइल्स लगवानी है। तो दोस्तों, इसकी रेट की बात कर लें, रेट दोस्तों एरिया पे वेरी करता है और क्वालिटी पर टाइल्स की वेरी करता है। इसके लिए हम 100 रुपये पर स्क्वायर फिट मान लेते हैं कि 100 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से हमें टाइल्स मिल रही है। तो हमारे जो एक टाइल्स का एरिया है हमारा 4 स्क्वायर फिट है, तो हमें क्या करना है, 4 × 100 कर देना है, 400 रुपये पर एक टाइल हमें पड़ जाएगी। इस हिसाब से हमें इस 400 का इंटू कर देना है हमारे 42 के साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों टाइल्स का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी कैलकुलेशन समझ आई होगी।
अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करूंगा। और दोस्तों सिविल वर्क से जुड़ी हुई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता है दोस्तों एक अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।